अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शबीर है। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा था, मगर उसके लिए आप छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी और जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपके समझ में आ जाएगी। एक जंगल में एक शेर और चूहा होता है। शेर आराम कर रहा होता है, चूहा उसी वक्त आता है, उसके बालों में घुस जाता है और खेलना शुरू कर देता है। शेर की आँख अचानक से खुल जाती है, शेर उस चूहे को पकड़ लेता है। चूहा शेर की मन्नतें करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार आइंदा से इस तरीके से नहीं करूँगा। शेर को उस पर रहम आ जाता है और वो चूहे को छोड़ देता है। चूहा जाते वक्त एक अल्फाज कहता है कि जिस तरीके से आज आप मेरे काम में हो, मैं भी एक दिन आप किसी का काम आऊँगा। शेर वो बात सुनता है और हंस के चला जाता है। कुछ दिन बाद जंगल के अंदर शिकारी आते हैं, वो शेर के ऊपर जाल डाल के उसको पकड़ लेते हैं। चूहा उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है। वो देखता है कि शेर मुश्किल में है, वो आता है और अपने दांतों से जाल काट के शेर को बचा लेता है। शेर उसका शुक्रिया अदा करता है तो वो कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, एक दिन आप मेरे काम आए थे, आपने मेरी जान बचाई थी, आज आपकी जान मैंने बचाई, हिसाब बराबर हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद समझाने का ये था कि ज़िंदगी में किसी को छोटा बड़ा ना समझे, किसी को छोटा ना समझे, कौन किस वक्त कहाँ काम आ जाए आपको नहीं पता। शुक्रिया।